समाजवादी पार्टी ने 6 मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। हाजी नासिर कुरैशी की जगह अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मेयर और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर एसटी हसन ही इस बार भी मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी होंगे। 28 मार्च को सपा ने हाजी नासिर कुरैशी को अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन डॉक्टर एसटी हसन और उनके समर्थकों की नाराजगी को देखते हुए आखिरकार सपा हाईकमान ने हाजी नासिर कुरैशी को चुनाव न लड़ने के लिए राजी कर लिया और पार्टी का सिंबल डॉक्टर एसटी हसन को दे दिया, जिसे लेकर एसटी हसन लखनऊ से मुरादाबाद के लिए चल पड़े हैं। डॉक्टर एसटी हसन के छोटे भाई और उनके चुनावी प्रबंधकों में से एक सैयद उवैसुल हसन ने इस बारे में सिटी चैनल 24 को जानकारी देने के साथ साथ ये इशारा भी दिया कि डॉक्टर एसटी हसन शायद 1 अप्रैल 2019 को पीर के दिन अपना नामांकन करवा सकते हैं। इस बारे में अंतिम निर्णय सपा प्रत्याशी के मुरादाबाद पहुँचने के बाद ही किया जाएगा। सैयद उवैसुल हसन ने इस मौके पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और सपा के कौमी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आजम खान के साथ साथ हाजी नासिर कुरैशी का भी शुक्रिया अदा किया और इस यकीन का इजहार किया कि सपा बसपा गठबंधन के सभी लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ाएंगे। इस अवसर पर मोहल्ला फैजगंज मुरादाबाद में वाकई डॉक्टर एसटी हसन के कैंप ऑफिस पर सैयद आरिफ अली, उजैर इकबाल, सबीहुर रहमान खां, आजाद शेख, मोहम्मद इदरीस, मोहम्मद नईम, मोहम्मद गुलफाम, मोहम्मद नाजिम, मोहम्मद शुएब, विनय गुप्ता, मोहम्मद जब्बार, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद आसिफ, असलम हुसैन खां, मुतीउर रहमान, महमूद अली, मोहम्मद शकील, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद इमरान, मकसूद हुसैन, सुरेंद्र सिंह यादव, अमर अग्रवाल, मशकूर खान, दीपक शर्मा वगैरह भी मौजूद रहे। सैयद उवैसुल हसन ने बताया, इतला ये आई है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने डॉक्टर साहब को अपने पास बुलाया और जनाब हाजी नासिर कुरैशी साहब को बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं टिकट इन्हें दे रहा हूँ और आप इन्हें चुनाव लड़ा के जिता के लेकर आइए। इस पर सहमति बनी, हम उनको बुला रहे हैं हाजी नासिर कुरैशी साहब के और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे ऊपर एहसान किया है। हमारे शायद आलम खान साहब जिनने उनकी कोशिश होगी हमें टिकट मिला और हम इंशाल्लाह बहुत खुश और पूरे हमारे जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे भाई लोग हैं सपा के बसपा के, उन सब कोशिश की वजह से। अच्छा, क्या डॉक्टर साहब को सिंबल दे दिया गया है? डॉक्टर साहब को सिंबल मिल गया है और वो वहाँ से चल पड़े। अच्छा, और रात में किसी टाइम उनकी यहाँ मॉडलिंग की संभावना, उसी के बाद फिर नॉमिनेशन की डेट वगैरह फिक्स की जाएगी, करेंगे। फिलहाल जो दो तारीख में माननीय आजम खान साहब का नॉमिनेशन तो हो सकता है, अभी ये डॉक्टर साहब फाइनल करेंगे, लेकिन शायद पहली तारीख में देखिए पीर सोमवार को मंडे हम नॉमिनेशन। क्या अपील करना चाहेंगे गठबंधन के कार्यकर्ताओं से और गठबंधन के समर्थकों से? मेरी और हमारी पार्टी हमारे परिवार से की तरफ से बस यही अपील है कि डॉक्टर साहब एक अच्छे आदमी हैं, खिदमत कर रहे हैं शहर की, लोगों के बहकावे में चढ़ावे में किसी चीज़ में ना आए, एकजुट होकर एक तरफ वोट कर दें। मुकाबला भाजपा से है, मुकाबला एक फासिस्ट ताकतों का है, सेकुलर ताकतें जितने उभर के आएंगी इंशाल्लाह पैगाम अच्छा जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छा जाएगा, पूरे वर्ल्ड में ये पैगाम जाएगा कि हम भाईचारे में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, लड़ाई और नफरतों में रहना पसंद करते हैं। इससे कबल दोपहर के वक्त जैसे ही खबर मुरादाबाद पहुंची कि डॉक्टर एसटी हसन का टिकट हो गया है, उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने लड्डू तकसीम करके, ढोल नगाड़े बजाकर व रक्स करके अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष शुएब पाशा, पार्षद सलीम वारसी, सैयद असद कमाल, सैयद सिकंदर अली, साजिद वारसी, सपा प्रत्याशी के बड़े भाई सैयद गुलाम हसन वगैरह भी मौजूद रहे। लीजिए पेश है एक नजारा।